किस तरीके से आजकल इन लोग बहुत ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं एंड वेल well, कौन नहीं जानता इनको पीएमजीसी की बात करें बैक टू बैक नोवा चैंपियन रही है पीएमजीसी जी सी की पैराबॉय ऑर्डर किंग काफी अच्छा प्रदर्शन इन लोगों का रहा है एक दूसरे के साथ खेलते हुए बहुत समय से इनकी टीम सनर्जी जो है बन करके बैठी हुई है अ पॉडकास्ट एज वेल जो कि मैंने नोवा के प्लेयर्स के साथ किया था प्लेयर्स भी नहीं इनफैक्ट मैनेजर uh, के साथ ही किया था प्लेयर्स के साथ हो ही नहीं पाया बिकॉज आफ्टर विनिंग अदर बट बिकॉजिंग अगर बात करी जाए किस तरीके से

एंड प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देखिए आप किस तरीके से नोवा के प्लेयर्स का आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं जो कि गाड़ी लेकर के मूव कर रहे हैं प्लेयर्स दिख रहे हैं जो कि एंगल्स करके यू you नो know, यहाँ वहाँ के एंगल्स देख रहे हैं ये एक बेसिक चाइनीज फोरम रहता है जिस तरीके से प्लेयर्स you मूवमेंट know, दिखाते हैं एंड लुक एट ऑर्डर राइट लुक एट हम ट्राइंग टू मेक ऑल द मूव स्पॉट पता चल चुका है कि प्लेयर कहां पर है थोड़ी बहुत गोलियों की आज आई थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड हुई है दिस वेर ही जस्ट यू नो गेट्स आउट ऑफ इज वेकल टेक्स वन डाउन ये बहुत ज्यादा अच्छा क्लच है लुक एट दिस ही हैज स्पॉटेड डाउन द प्लेयर ऑलरेडी ऑब्वियसली अब यहां पर एम की बारी आती है तो अब देखिए एम किया काफी अच्छे तरीके से टेक डाउन किया ग्रोजा ऑर्डर ऑर्डर के पास दो अच्छे वेपन पहले भी देखे एक AWM रहता है बेरिल कभी कभी चलाते नजर आते हैं ग्रोजा भी यहाँ पर चला रहे हैं वेरी गुड वेपन एंड आपने देखा लास्ट रोइंट पर ऑलमोस्ट वो क्राउच करना चाहते थे एनिमेशन है ऑब्वियसली बट ये एनिमेशन के साथ ऑब्वियसली बैठ गए एंड सीधा यहाँ से मूव आउट किया जोन का वट दे एंश्योर्ड इन दिचुएशन आप देखिए जोन का ये सारा एरिया क्लियर किया है इन्होंने यहां से जो एक बार घूम करके गए अपने आप को एरिया में एंगल में देखा कहाँ कहाँ मतलब बैक अपना पूरा क्लियर किया उसका जिम्मा मिला था ऑर्डर को इससे पहले भी किल्स लेकर के बैठे हुए थे इसके बाद भी इन्होंने क्या किल्स लिए यहाँ पर इनका दस किल्स का एक जो इन्होंने अपना मुकाम सेट किया काफी अच्छे तरीके से किया सामने एक और टीम उनको स्पॉट डाउन करना उनको हंड डाउन करना दिस इज गुड बट देन अगेन यू नो ऑल ऑफ दिस सिचुएशन इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सिचुएशन जिसके हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे जो कि मोस्ट टॉक्ड अबाउट सिचुएशन बन चुकी है रिसेंट टाइम में एंड बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खेला गया uh, हमने एडब्ल्यूएम की बात करती है हालांकि इस बार एडब्ल्यूएम नहीं बट एम टू फोर है बट हमें एडब्ल्यू से भी इन्होंने अच्छे क्लचेस निकाल थे एन पी एम जी सी जब इनके सामने प्लेयर्स आपको बहुत सारे मैचे याद रहे होंगे जहां पर you know, कभी कभी बोल टैक्शन देकर एंड लॉन्व लु एट एन लुकट वेर ही इज इन ऑल ऑफ दिचुएशन टीम दिस इज ऑर्डर ये ऑर्डर है दूसरे तीसरे चौथे प्लेयर थोड़ा सा पीछे ताकि अगर कोई नीचे से आता है उसको टेक डाउन किया जा सके यहां पर ऑर्डर को कवर ले ताकि ऑर्डर को प्रॉपर कवर मिले प्लेयर्स उधर वाले प्लेयर्स इधर देख रहे हैं ताकि ऑर्डर को प्रॉपर कवर मिले एंड देन स्मोक्स एंड ऑल आ रहे हैं तो ऑफिस उनको पता है कि सामने की तरफ को और भी प्लेयर्स रहेंगे इनफैक्ट इनके बारे में तो उतना नहीं बट इनके बारे में सो दे नो क्यू ना इस रिज के साइड लाइन से कैसे फाइट लेनी क्योंकि ये जो रिज बन जाता है इसके साइड से आपको घूम करके फाइट लेनी पड़ती है अदरवाइज यू हैव दिस डिप टू प्ले अराउंड

ये लोग इधर देखना शुरू कर चुके थे क्योंकि इनके पास नंबर एडवांटेज थे इस फाइट के अंदर ये थ्री भी थ्री का फाइट था बट इस थ्री में इन्होंने यहां पर दो प्लेयर्स डाउन कर दिए थे वो एनिमेशन में यहां पर भी आ जाएगा जरूर इसके अंदर लिखा आएगा कि उन्होंने दूसरा प्लेयर डाउन हुआ है, जो कि हो रहा था सो तो ये प्लेयर्स मुड़ करके इधर देख रहे थे एंड उसमें ऑर्डर जाते हैं

किल्स। ये रहा ये प्लेयर, काफी खुश, काफी पर। और यह है वो मूवमेंट जिसके बारे में सर्कल पर मिल जाएंगे आपको, इन, इन से। बट थिंक अबाउट इट राइट हमें पता है चाइनीज जो पब्जी होती है जो गेम फॉर पीस होती है उसमें जोन के बाहर का एक और एक एक्स्ट्रा हेल्थ बार रहता है जिसके अराउंड इन्हों खेलना होता है बट जोन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वो हेल्थ बार भी एक अपनी एक अलग एचपी पर जाती है ऐसे में आपको दो तीन प्लेयर्स को देखना एंगल्स देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हाउ डू यू डू दैट एंड ऑर्डर राइट नाउ इज द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन द गेम स्टार्टिंग फ्रॉम पीएमजीसी दिस ईयर 2022 इज ऑर्डर्स ईयर आई गेस आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने यू नो पीएमजीसी एंड ऑल देखे थे तब मैंने एक स्टोरी भी डाली थी जो कि PUBG पीस ने डाली हुई थी अपने सोशल uh, पर एंड दैट वाज यू नो टू टू जो uh,

इट ऑल स्टार्टेड इन द सिचुएशन इसको एक बार थोड़ा सा स्लो मूव में देखते हैं कि हुआ क्या ऑर्डर एकदम से पीछे रुके हुए त्यन्बा के प्लेयर को और सही किया था इन्होंने कि पहले त्यांग के प्लेयर को लेकर के जा रहे हैं क्योंकि अगर त्यांग के प्लेयर ना जाता तो वो उस एंगल से बाद में दिक्कत देता ही देता पहले ऑर्डर कोई दिक्कत देता क्योंकि उसके लिए वो प्लेयर ज्यादा वल्लेबल है पहली चीज सर्कल के बाहर सो so, ऑर्डर ने इस समय यहाँ पर एक प्लेयर को के बारे में उनको पता है लगभग कि यू नो एक प्लेयर है जो कि इधर से आएगा ऑब्वियसली नो द इन्फॉर्मेशन तभी यहाँ पर मोलिक किया गया एक और प्लेयर जिसको

आप जैसी शुरुआत होती है सबसे पहला डैमेज छप्पन का गया है काफी अच्छे तरीके से वेपन स्विच हुआ चालीस गोलियां इस प्लेयर के पास पहली गोली यहाँ पर इनफैक्ट जो लगी जब छत्तीस हुआ था तो पहला डैमेज छप्पन का जाता है जो की एक हेड शॉट है पहला जो डैमेज शार्ट लगा है, वो हेड पर लगा

काफी अच्छे तरीके से उन्होंने टेक डाउन किया एंड ही वन दिस फाइट इन अलियंट फैशन हेड शॉर्ट से इन्होंने एंड किया सो so, शुरुआत करी छप्पन के डैमेज से और अंत तक छप्पन ही देते रहे काफी अच्छे तरीके से एंड ऑर्डर जस्ट यू नो हैड दैट क्लच ऑफ अ लाइफ टाइम जिस तरीके से उन्होंने खेला है इस समय इस प्लेयर का फॉर्म काबिल तारीफ है लाजवाब है एंड आई एम ब्रिटिश श्योर ये इस साल में पूरे साल में इनफैक्ट रहने वाला है ऑर्डर का ये साल रहेगा नोवा देखते हैं कितना आगे और अच्छे तरीके से खेलती रहती है गाइज अगर आप लोगों तो को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना दोस्तों सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे सोशल आप लोगों को मिल जाएंगे एंड डू लेट इंडो इन कमेंट्स की आपके मन में इन क्लचेस को देख करके क्या क्या भावना जागे थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं मिलूंगा आप लोगों से